नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक असाइनमेंट जो आपने करनी है। जो हमने लास्ट टाइम जावास्क्रिप्ट में एक असाइनमेंट की थी, आपने वही असाइनमेंट जो है वो जेक्यूरी के थ्रू करनी है कि हम कोई भी इसके अंदर एलिमेंट पास करें, कोई भी डाटा पास करें तो वो रो ऐड हो जाए। ठीक है, अब इसमें आपने सर ये काम नहीं करना, आपने यहाँ पे एक रेडियो बटन फर्स्ट एलिमेंट अटैच करना है, फर्स्ट एट्रीब्यूट रेडियो बटन अटैच करना है। ठीक है, अब आप जो ऐड करेंगे वो तो ऐड हो जाएगा, लेकिन आप रेडियो बटन, जिस रेडियो बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ रेडियो बटन आपने अटैच करना है, जिस रेडियो बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आप व्यू का बटन लगाएंगे तो उस रो का डाटा आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है, उस रो का डाटा आपको नज़र आना चाहिए अगर आप व्यू करते हैं। अगर आप एडिट करते हैं, यहाँ एक आपने एडिट का बटन लगाना है, एडिट करेंगे तो जिस आपने रो के रेडियो को सेलेक्ट किया होगा, ये फर्स्ट कॉलम एट्रीब्यूट जो उसका होगा वो रेडियो बटन होगा, वो डाटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, और सेव पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ एक सेव का बटन लगाना है, जब सेव पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा अपडेट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ रेडियो लगा है और अली इमरान पे आपने क्लिक करके एडिट किया तो यहाँ अली आ जाएगा, यहाँ इमरान आ जाएगा। जब आप सेव करेंगे तो वापस अली, फॉर एग्जांपल अली इमरान को अली असलम करना है तो आपने अली असलम जब सेव करेंगे तो डाटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। दोबारा सुन लें, यहाँ पे एक रेडियो बटन होगा, तमाम रोज़ पर अपना अपना रेडियो बटन होगा। ठीक है, और रेडियो बटन में आप जिस रेडियो को क्लिक करेंगे वो वाली रो आपकी इधर एडिट करने पे आ जाएगी, एडिट के बटन पे व्यू करने पे वो पॉपअप दिखा देगी, आपका अलर्ट दिखा देगी, और सेव करने पे यही वाली रो जो है वो यहाँ पे जो है आपकी जो है सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक बेसिक असाइनमेंट है, तो इसको देखना है और उसके हिसाब से बाकी आपने इसके ऊपर वैलिडेशन भी करनी है। फॉर एग्जांपल वैलिडेशन ये हो सकती है कि आपकी कोई रो अभी सेलेक्ट हुई नहीं, यहाँ से किसी रेडियो बटन को क्लिक ही नहीं किया तो ना तो व्यू का बटन इनेबल होगा, ना एडिट का बटन इनेबल होगा, ना ही सेव का बटन इनेबल होगा, सिर्फ ऐड का बटन इनेबल होगा जब यहाँ पे आप आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप जब किसी रो को क्लिक करते हैं तो तीनों बटन इनेबल हो जाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन आपने इनमें करना है उन बटन के ऊपर। तो ये आपकी असाइनमेंट है, तो इसको आपने नेक्स्ट, इसका सलूशन अवेलेबल होगा अगली वीडियो में, जो आपने नहीं देखना इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और हिंट आपका ये है कि जो अभी तक हमने फंक्शन यूज़ किए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट आपके पास फुली ओपन डॉक्यूमेंट है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से आप फर्दर फंक्शंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ इसकी प्रैक्टिस बाकी रह गई है। ठीक है, किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं और किस तरह ये सारे एलिमेंट्स को जो है वो यूटिलाइज़ करती हैं, तो हम अब प्रैक्टिस असाइनमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं इसके अंदर। सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसका सलूशन होगा, अभी आपने उसको ओपन नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।